संत जिरोम ने बड़े कमाल की बात कही है। पवित्र शास्त्र की आज्ञानता मसीह की आज्ञानता है। मसीह मित्रों, सबों को जय मसीह की। सेंट क्लारा संचार के अंदर रांची से मैं फादर फ्रेडी CMF आप सबों के सम्मुख प्रस्तुत। आज माता मरियम के इस जन्म दिवस के शुभ अवसर पर पवित्र बाइबल का शिक्षण का प्रस्तुतिकरण संत क्लारा संचार केंद्र के माध्यम से आपके लिए। आइए हम हमारे धर्मशास्त्र से कुछ अच्छा सीखें, जानें तथा इसमें निहित ईश्वर को ढूंढें जो एक वचन के रूप में उपस्थित है। और यह निरंतर खोज निश्चित है कि हम ईश्वर को निश्चय रूप से पाएंगे। धर्मशास्त्र को ना जानना मतलब ईश्वर की जो शक्ति है वो ना जानना है। संत पौलुस कहते हैं कि मसीह परमेश्वर की शक्ति और बुद्धि है। यदि जो कोई व्यक्ति पवित्र शास्त्र को नहीं जानता है वह परमेश्वर की जो शक्ति परमेश्वर की जो ज्ञान है उसको नहीं जानता है। इसलिए शास्त्र की आज्ञानता मसीह की आज्ञानता ही है। पवित्र बाइबल में परमेश्वर का शब्द जिसे हम पढ़ते हैं, बाइबल के बारे में अगर किसी को ज्ञान नहीं है मतलब यह यीशु मसीह को नहीं जानता है, यानी कि बाइबल की आज्ञानता यीशु मसीह में आज्ञानता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम पवित्र बाइबल पढ़ें और पवित्र बाइबल को मनन चिंतन करें, ध्यान करें और यीशु मसीह को जानें। इसलिए सभी ईसाई भाइयों और बहनों के मनोदिल में बाइबल पढ़ने की रुचि को जागृत करने के लिए इस बाइबल शिक्षण की श्रृंखला की प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है, ताकि सभी ईसाइयों को सार्थक रूप से बाइबल पढ़ने में मदद मिल सके। यह एपिसोड यानी कि इस प्रकरण संवाद के रूप में यानी सवाल और जवाब की तरह प्रस्तुत की जाएगी, लेकिन बाइबल के पाठकों के मन में यानी कि आप लोगों के मन में बाइबल से संबंधित कई तरह के प्रश्न या सवाल उत्पन्न हो सकते हैं या तो उठ सकते हैं, जिसे हम एक एक करके जवाब देने की कोशिश करेंगे। प्रथम प्रकरण यानी कि एपिसोड में हम परमेश्वर के शब्द की शक्ति और अर्थ पर विचार करेंगे, सुनेंगे और अच्छा सीखेंगे। परमेश्वर के वचन का अर्थ और शक्ति क्या है, इसे हम क्या समझते हैं? पवित्र बाइबल से पाठ पढ़ने के पहले या तो किसी वक्तव्य को सुनकर आप सबों के मन में एक प्रश्न निश्चय उत्पन्न हो सकता है कि इस वचन क्या है। सर्वप्रथम मित्रों, इस वचन परमेश्वर का शब्द है, परमेश्वर का कथन है, पवित्र शास्त्र है, बाइबल या सुसमाचारों को ईश्वरीय प्रकाशन के रूप में मूर्त रूप देना या प्रस्तुत करना अक्सर कहा जाता है यीशु वचन। और हम सबों के लिए यीशु वचन हमारा जीवन है। यीशु वचन हम सबों के लिए सब कुछ है। यीशु वचन एक बीज की तरह है जो अच्छी मिट्टी की तलाश करती है, जैसे हम प्रभु की उपस्थिति की तलाश कर रहे हैं। इस वचन हमारा जीवन है।
मित्रों इस वचन का अर्थ जानने के बाद आप सबों के मन में और एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठ सकता है कि इस वचन किन किन चीजों से तुलना की जाती है। इस वचन की तुलना पत्र बाइबल परमेश्वर की वचन की तुलना कई चीजों से करती है, जैसे तलवार इब्रानियों के पत्र अध्याय 4:12 में, बीज संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 8:11 में, वर्षा और बर्फ इसाया नबी के ग्रंथ 55:10 में, शहद सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 19:10 में, दीपक या ज्योति सूक्ति ग्रंथ 119:1-5 में, हथौड़ा और आग यरमयाह नबी ग्रंथ 23:29 में, आयना सेंट जेम्स के पत्र अध्याय 1:23 में, शतान संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7:24 में, रोटी डिट्रोनॉमी के बुक में अध्याय 8:3 इत्यादि में पाया जाता है। तो इन तमाम चीजों से इस वचन की तुलना की जाती है, परंतु इसमें से जो हमारी कल्पना को प्रज्वलित करती है और वो है बीज। बीज जीवन का स्रोत है, आशा की निशानी है, भविष्य के लिए एक गारंटी है और एक संभावित रचना है। दुनिया की निरंतरता और निर्वाह के लिए मसीह मित्रों बीज अति आवश्यक है, और सभी जीवित प्राणी वनस्पति और जीव जंतु बीज के कारण अपनी अस्तित्व को बनाए रखती है। एक बीज अपने आप में एक चमत्कार है, हालांकि यह छोटा हो सकता है, लेकिन इसमें सभी संभावित शक्तियां शामिल है जो अंकुरित होने, बढ़ने और फल उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। ईश्वर के साम्राज्य की तुलना राई के बीज से की जाती है, जिसे हम पत्र बाइबल में सुनते हैं। हालांकि इसे सबसे छोटा बीज माना जाता है, लेकिन यीशु मसीह एक बीज में छुपी क्षमता के प्रति हमारा ध्यान को आकर्षित करता है। नए सृजन के स्रोत के रूप में बीज अंततः कई अन्य नई नई रचनाओं का स्रोत बन जाता है, और हम विश्वास करते हैं कि ईश्वर सारी सृष्टि का निर्माण किया है और जो कुछ भी इसमें है, इस सृष्टि की निरंतरता बीजों के माध्यम से होती है। इसलिए दुनिया की अस्तित्व के लिए बीज अति आवश्यक है। बीजों को यदि ठीक ढंग से संरक्षित किया जाए तो अनंत काल के लिए क्षमता को बरकरार रखती है। इस तथ्य की जानकारी हम निम्नलिखित उपयुक्त उदाहरण से कर सकते हैं। राजा सुड एक मिश्र का राजा था जो ईसा से 13 शताब्दी पहले था। उनकी मृत्यु 1247 ईसा पूर्व हो चुकी थी और उनके पार्थिव शरीर को एक कब्र में दफना दिया गया था। इस मकबरी खोज 1924 ईस्वी में एक अंग्रेज व्यक्ति ने की थी और अपने आश्चर्य के लिए उन्होंने कई उपयोगी चीजें पाई जो शरीर के साथ साथ कब्र में रखी गई थी। अन्य चीजों के साथ साथ उन्हें और एक ऐसे चीजें मिला जैसे जो मक्का जैसे खाद्य अनाज था। यह मक्का का अनाज 33 शताब्दियों तक बिना किसी नुकसान के, बिना किसी क्षय के कब्र में बनी रही। उस व्यक्ति ने उस मक्के का अनाज लेकर नील नदी किनारे बो दिया। आश्चर्य की बात है कि 33 सदियों पुराने बीज अंकुरित होकर बड़ा हुआ और अनाज का उत्पादन किया।
इसमें रोचक की बात यही है कि वो बीज मक्का का बीज राजा फूट के कब्र में कभी नहीं उगा और ना ही बढ़ा। क्यों? क्योंकि वहां ना कोई अनुकूल वातावरण था, ना उपजाऊ भूमि थी और ना ही पानी और ना धूप, कुछ भी नहीं था। लेकिन जब वह बीज नील नदी किनारे बोया गया तो बीज में जो शक्ति छुपी रही वह स्वतंत्र हो गया और बीज अंकुरित होकर बढ़ा और फल उत्पन्न किया। इसलिए वास्तव में बीज को उपजाऊ और बढ़िया से तैयार जमीन पर या मिट्टी पर बोया या लगाया जाए और यदि वह रास्ते में या कंटीली जमीन पर या झाड़ी पर गिराया जाए या फैलाया जाए तो वह कभी फल नहीं ला सकता है। इसलिए परमेश्वर के वचन को उपजाऊ बनाने के लिए हमारे जीवन रूपी अच्छी मिट्टी, अच्छे और ईमानदार दिल, सूरज की रोशनी की तरह हमारा ज्ञान, गहरा विश्वास और जल की तरह प्रेम और अच्छे फल देने के लिए ईश्वर की या तो भगवान की कृपा की अति आवश्यक है। एक अच्छा और ईमानदार दिल खुशी से परमेश्वर के वचन को ग्रहण करता है, या तो प्राप्त करता है, उसे सुनता है और उसके साथ एक सामंजस्य स्थापित करता है और उसके अनुसार चलता है, तो दिल और वचन के बीच एक संवाद होता है। जो व्यक्ति के विचारों और कार्यों के बदलने के लिए वचन की आंतरिक और अंतर्निहित शक्ति को जारी करता है तथा नए दृष्टिकोण, सोच विचार और अभिनय के नए तरीके देता है, तो इस तरह करने से पुरानी चीजें धीरे धीरे लुप्त हो जाती है और सभी आयामों में कुछ नया उभरता है। इतिहास ने परमेश्वर के वचन की शक्ति के असंख्य घटनाओं को दर्ज किया है। इसने लोगों को एक नया रूप दिया है, दृष्टिकोण के साथ नजरिए, व्यवहार, तमाम चीजों पर परिवर्तन लाया है। यीशु ने जिन शिष्यों को बुलाया वे सब के सब आप और हम जैसे साधारण लोग थे, अनपढ़, बिना किसी सामाजिक हैसियत के थे, लेकिन यीशु ने उनके वचन के साथ उनका संपर्क और सामना होने पर यीशु और उनके शब्द से उन्हें खुद को प्रतिबद्ध करने, सुसमाचार का प्रचार करने, सुसमाचार का प्रसार करने, यहां तक कि अपने जीवन को बलिदान करने के लिए उत्प्रेरित किया। कई लोग जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य उपलब्धियों और सांसारिक महिमा थी, परमेश्वर के वचन से प्रभावित होकर मानव समाज की भलाई के लिए उनको लोगों ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 संख्या 21 कहता है, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो जाओ, अपनी सारी जायदाद, अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी, तब आकर मेरा अनुसरण करो। संत एंटनी एक मठाधीश, उन्होंने इस वचन से प्रभावित होकर अपना सारा जायदाद बेचकर गरीबों के बीच अपने धन की वितरण कर दिया और परमेश्वर के वचन को पढ़ने, मनन ध्यान करने के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। सेंट अगस्टिन, जो दुनिया के सुख से मोहित था,
दुनिया के सुख चैन भोग विलास के पीछे भागे जा रहा था। वे आप पवित्र जीवन जी रहे थे, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन लो, ले लो, ले लो और पढ़ो। यह सुनकर उन्होंने पवित्र बाइबल खोली और पढ़ी। मन का सारा अंधेरा दूर हो गया और एक प्रकार की आशा किरण उन पर झलक पड़ी और उन्होंने हमारे कलीसिया के लिए बहुत बड़ी योगदान किया है। इसलिए हम सभी ईसाई विश्वासियों को अंधकार के कार्यों को छोड़ देना चाहिए और प्रकाश की कवच पहनकर सम्मान पूर्वक जीने की चेष्टा करनी चाहिए, ना मध्यपान की उत्सव की आनंद में, ना आयासी तथा दुराचार में, और ना ही झगड़े और ईर्ष्या में, बल्कि यीशु मसीह को धारण कर अपने आध्यात्मिक इच्छाओं को पूरा करने में सदा बने रहना चाहिए। जैसे रोमियों के पत्र अध्याय 13:12-14 में संत पौलुस कहता है, आप लोग प्रभु ईसा मसीह को धारण करें और शरीर की वासनाएं तृप्त करने का विचार बिल्कुल छोड़ दें। इग्नेसियस लॉयोला, फ्रांसिस जेवियर, संत अंतोनी मेरी क्लारे जैसे महान संतों ने यीशु के इस वचन संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16:26, मनुष्य को क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले, अपने जीवन गंवा दे, अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है। इस वचन से अत्यधिक प्रभावित होकर उन्होंने सुसमाचार के प्रचार और प्रसार के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया है और उत्साही और कर्मठ मिशनरी बन गए। कलकत्ता के संत तेरेसा ने इस वचन संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25:24, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए भी किया है, वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया है वह तुम मेरे लिए भी किया है। इस वचन से प्रेरित होकर संत तेरेसा अपनी आरामदायक शिक्षण करियर छोड़कर पूरा जीवन गरीबों और लाचार लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। हम या तो सुने हैं और या तो देखे हैं कि परमेश्वर वचन से प्रभावित होकर उनको अनेकों पुरुष और महिलाएं अपने जीवन में बहुत सारे परिवर्तन लाए हैं और कई अन्य लोगों के जीवन को बदलने का प्रेरणा स्रोत भी बन गए हैं। वर्तमान समय में भी हम परमेश्वर के वचन द्वारा अनेकों लोगों के जीवन के परिवर्तन का गवाह हैं। आज भी जो दूसरों के लिए एक अच्छी खबर बन जाती है, क्यों नहीं आज हम उस बढ़ती सूची में खुद को भी शामिल कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन असंख्य लोगों के जीवन को प्रभावित और परिवर्तित करता है। आज हमारे लिए भी ऐसा हो सकता है और यह मुमकिन जरूर है, क्योंकि इसमें यानी कि इस वचन में सामर्थ्य और शक्ति है। इसलिए आप और मेरे लिए भी संभावना है यदि हम एक ईमानदार और अच्छे मन और दिल से परमेश्वर के वचन को कान लगाकर सुनते हैं और ध्यान लगा करके पढ़ते हैं तो निश्चय ही हमारे जीवन में चमत्कार हो सकता है। यीशु संजोन सुसमाचार 15:7 में कहता है, यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो कुछ मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। अगर हम इस वचन को ग्रहण करेंगे
अपने जीवन में संजोए रखेंगे तो हमारे आध्यात्मिक जीवन के संसाधनों को बनाए रखने की क्षमता को बढ़ावा देने की शक्ति मिलती है जो हमारे दिलोजान में विद्यमान है। हम किसी भी प्रकार के दुख, कष्ट एवं अत्याचार के बीच में भी इस वचन की शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। इस वचन में सभी तरह की जरूरतें शामिल हैं, हमारी व्यक्तिगत जरूरतें, हमारे पारिवारिक जरूरतें, हमारे सामाजिक जरूरतें और हमारे आध्यात्मिक जरूरतें, और जो कुछ भी आवश्यकताएं हैं सब के सब पूरा किया जा सकता है। पराक्रमी शक्ति निहित और शाश्वत इस वचन में ही छिपा हुआ है, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारी पीढ़ी द्वारा पर्याप्त रूप से उपयोग नहीं किया गया है। यह सच है कि परमेश्वर के वचन को पढ़ने, मनन चिंतन करने और प्रार्थना करने के इच्छुक लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन अफसोस की बात यही है कि बहुसंख्यक लोगों में परमेश्वर के वचन की शक्ति को अनुभव के लिए ज्ञान की अभाव है, और इसलिए हम इस वचन क्या है उसे हम समझ नहीं सकते हैं। बाइबल के शिक्षण का उद्देश्य इसलिए रखा गया है कि उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए जो परमेश्वर का वचन पढ़ने, मनन चिंतन करने और प्रार्थना में रुचि रखने के लिए, ताकि वे परमेश्वर को समझें, यीशु मसीह को समझें और पवित्र शास्त्र को समझें, ताकि वे ईश्वरीय बल और शक्ति का उपयोग करना सीखें जो परमेश्वर के वचन में निहित है। इस बाइबल शिक्षण में बाइबल से आधारित शिक्षण एवं विचार जो भी प्रस्तुत किया जा रहा है वो किसी विशेषज्ञ के विचार के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों का विचारधारा है जो पवित्र ग्रंथ को पढ़ने के लिए प्रयास करता है। यह उन लोगों के लिए है जो मनन ध्यान करता है और पवित्र बाइबल में प्रकट इस वचन को समझने की कोशिश करता है। पवित्र बाइबल का शिक्षण एवं अध्ययन एक आध्यात्मिक यात्रा है जिसे आप और हम कर सकते हैं, जो मेरे लिए और मेरे सभी पाठकों के लिए यानी आप सबों के लिए भी है। इसलिए आप सबों से अनुरोध करता हूं कि सभी पाठकगण, मेरे मसीह भाइयों बहनों, मेरे साथ यात्रियों के रूप में जुड़े रहें, ताकि बाइबल की यह शुभ यात्रा तब तक जारी रहेगी जब तक हम मसीह को जान नहीं सकते हैं, जब तक हम मसीह को नहीं समझ सकते हैं, जब तक हम मसीह को पा नहीं सकते हैं। चलिए अगले एपिसोड में यानी अगले प्रकरण में कुछ अच्छा सुनेंगे, कुछ अच्छा सीखेंगे और कुछ भी बातें बाइबल में लिखी हुई है क्या वह सबके सर ईश्वर का वचन है, इसे जानने की कोशिश करेंगे। इसे जानने और सीखने के लिए क्लेरिशन कम्युनिकेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। सेंट क्लार संचार से माय फादर फ्रेडी सीवर, आइए कुछ अच्छा सीखें।